लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिग्गज अभिनेत्री रीता भादुड़ी का 62 की उम्र में निधन, मुंबई, 17 जुलाई। INS फिल्में वन टीवी अभिनेत्री रीता भादुड़ी का मंगलवार को निधन हो गया। वह 62 वर्ष की थी। वह इन दिनों टीवी धारावाहिक निमकी मुखिया में दादी की भूमिका को लेकर लोकप्रिय थी। अस्पताल से एक सूत्र ने उनके निधन की जानकारी दी, जहां उन्हें पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से भर्ती कराया गया था। रीता विले पार्ली के सुजय अस्पताल में भर्ती थीं। उनकी किडनी कमजोर थी और वे डायलिसिस पर थी। सूत्र ने INS से कहा, उन्होंने रात लगभग 1:30 के आसपास दम तोड़ दिया और उनके परिवार के सदस्य सुबह 4 बजे के आसपास उनका शव ले गए। निमकी मुखिया के निर्माता और लेखक जामा हबीब का कहना है कि उन्हें आभास थे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। हबीब ने INS से कहा, हम पिछले सप्ताह अस्पताल में थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। हमने उनके निधन के कारण आज की शूटिंग स्थगित कर दी। वह कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी नजर आ चुकी हैं। निमकी मुखिया में वह परिवार की दादी इमरती देवी की भूमिका में नजर आ रही थीं। उन्हें एक रत्न के रूप में वर्णित करते हुए हबीब ने कहा, आखिरी बार शूटिंग उन्होंने लगभग 15 दिन पहले की थी। हम उनके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। आज उनकी अंत्येष्टि है, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अपने 5 दशक के करियर में रीता कभी हाँ कभी ना, क्या कहना, दिल विल प्यार व्यार और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। अभिनेता शिशिर शर्मा ने रीता के निधन की खबर अपने फेसबुक अकाउंट से दी। उन्होंने लिखा, हमें आपको यह सूचित करते हुए बहुत अफसोस है कि रीता भादुड़ी हमारे बीच नहीं रही। बेहद दुखद है, हमने एक अद्भुत इंसान को खो दिया। हम सब के लिए वह माँ की तरह थी, हम आपको मिस करेंगे माँ। उन्होंने बताया कि उनकी अंत्येष्टि मंगलवार दोपहर 12 बजे होगी। निमकी मुखिया की अभिनेत्री शिवानी चक्रवर्ती ने कहा, पिछले 2 महीनों से वे ठीक नहीं थी, बहुत याद आएंगी। सह कलाकार से ज्यादा वे बहुत अच्छी इंसान थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, वह मेरे परिवार की तरह थी। धारावाहिक में उनकी बहू की भूमिका निभा रही गरिमा सिंह ने कहा, हम एक ही कमरा शेयर करते थे, हम बहुत सारी बातें साझा करते थे, वह बहुत सकारात्मक इंसान थी।